बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश से सहित पूरे दुनिया में कोरोना का संक्रमण चल रहा है, लेकिन कोरोना के साथ साथ जो बिहार में चल रहा है उससे आप अछूते नहीं हैं। बिहार में जहां एक तरफ लगातार सरकार लोगों को लाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था कर रही है, केंद्र सरकार से बात करने के बाद ट्रेनों का परिचालन रोज बढ़ रहा है, अधिक से अधिक संख्या में लोग आना शुरू हो चुके हैं और इस बीच राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। आपको बताते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार कोरोना के साथ साथ कम बोल करके भी पूरी तरह से राजनीति में उतर गए हैं और उनकी पार्टी के लोग इस फेर में लगे हुए हैं कि कैसे नीतीश कुमार का जय जयकार हो। इसके लिए पूरी योजना आप कहें तो जदयू ने बना लिया है और इस योजना में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य कोई भी शामिल नहीं है। ये नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति है और उनके पार्टी के लोग इस पर पूरी तरह से अमल भी करना शुरू कर चुके हैं। कोरोना के तहत लगे लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में शनिवार को सबसे अधिक यानी कि आज श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बिहार पहुंचने वाली हैं। 35 ट्रेनें आज बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर आएंगी। 35 रेलगाड़ियों के जरिए कुल लगभग 43,000 के आसपास प्रवासी श्रमिकों को बिहार लाने की व्यवस्था हो रही है। और आपने इससे पहले सुना भी होगा कि सरकार और खास करके नीतीश कुमार की बात करें तो वो इस पूरे मामले की खुद समीक्षा कर रहे हैं और लोगों को रोजगार मुहैया कराने की भी बात वो लगातार कह रहे हैं। जो ट्रेनें आने वाली हैं पहले उसकी सूचना दे दें, उसके बाद हम आगे बताते हैं कि कैसे ये पूरी जो कवायद है वो गेम चेंजर साबित होगी। जो ट्रेन शनिवार को आने वाली है उसमें मंगलौर हाजीपुर से ट्रेन आएगी, बेंगलुरु कटिहार से ट्रेन आएगी, जामनगर दानापुर के लिए ट्रेन आएगी, पुणे से बरौनी के लिए ट्रेन आएगी, चेन्नई से बिहार शरीफ के लिए ट्रेन आएगी, मंगलौर से गया के लिए ट्रेन आएगी, कोयम्बटूर से दानापुर के लिए ट्रेन आएगी, बेलारम से कटिहार के लिए ट्रेन आएगी, लुधियाना से अररिया के लिए ट्रेन आएगी, लुधियाना से मोतिहारी भी ट्रेन जा रही है, फरीदाबाद से कटिहार के लिए ट्रेन आएगी और लुधियाना से ही सीतामढ़ी के लिए ट्रेन आएगी, बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन आएगी, करमनासा से अररिया के लिए, आनंद विहार मुजफ्फरपुर, दिल्ली से भागलपुर, दिल्ली से सहरसा के लिए, साहिब जदा अजीत सिंह नगर बेतिया के लिए ट्रेन आएगी, चंडीगढ़ से मधुबनी के लिए ट्रेन आएगी, पानीपत से भागलपुर के लिए, गुड़गांव से दरभंगा के लिए ट्रेन आ रही है, फरीदाबाद से बरौनी के लिए ट्रेन आ रही है, गाजियाबाद से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन आ रही है, सहारनपुर से बेतिया ट्रेन जाएगी, सूरत से पूर्णिया, सूरत से दानापुर, अहमदाबाद से बरौनी, राजकोट से सिवान, पालघर से किशनगंज, बांद्रा से कटिहार, बांद्रा से पूर्णिया के लिए, जमालपुर से अररिया के लिए, करनासा से मुजफ्फरपुर के लिए और भुज से छपरा के लिए ट्रेन का परिचालन किया गया है जो आज बिहार के लिए विभिन्न स्टेशनों पर आएगी। ट्रेनों की सूचना तो आपने देख ली। अब इन मजदूरों के लौटने के बाद जो इनका कोरोना टेस्ट होना है उसको लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से सख्त निर्देश जारी किए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लौट रहे मजदूरों के कारण बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और आंकड़ा 1,000 से पार हो गया है। ये बातें हमने आपको बता दिया है। 4 मई को जब से मजदूरों को बिहार लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ तब से अभी तक राज्य में 490 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 425 संक्रमित बाहर से आने वाले मजदूर हैं। आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा किस तरह से बिहार को प्रभावित कर रहा है। अब इन सब पर नीतीश कुमार की पूरी नज़र है। हालांकि आपको जानकारी है, भारत लाइव ने आपको पहले भी बताया है कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि कोरोना संक्रमण के दौरान कोई भी वापस न आए, उन्होंने इसकी बात भी कही थी और इस पर उन्होंने अपने बयान भी जारी किए थे, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। लगातार उन पर दबाव बढ़ते जा रहे थे और उस दबाव के कारण नीतीश कुमार को आखिरकार फैसला लेना पड़ा और ये फैसला तत्काल अगर देखा जाए तो स्थिति को देखते हुए सही भी था। विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, विपक्ष के बयानों के बाद ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बात हुई और इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई और लोगों का आना जाने का क्रम जारी हुआ। अब तो ट्रेन नियमित रूप से भी लगभग कई ट्रेनें कुछ नियमों के साथ खोली जा रही हैं जिसमें कि लोग अपना रिजर्वेशन करा करके वापस आ सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि संक्रमण का
जो आंकड़ा हमारे पास आया है उसमें 490 में से हमने आपको बताया ही कि 425 वैसे लोग हैं जो बाहर से वापस आए हैं। ऐसे में सरकार के सामने बिहार लौट चुके लाखों मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराना एक बड़ी चुनौती बन गई है, जबकि मजदूरों को बिहार लाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाई भी जा रही है। हमने आपको ये भी बताया था कि सबसे अधिक ट्रेनों का परिचालन अगर किसी राज्य के लिए हो रहा है तो उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर बिहार है। अब तक एक दिन में बिहार पहुंचने वाले मजदूरों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि आपको हमने ये भी बताया था कि ये आंकड़ा जो प्रवासी मजदूरों का है इसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। अंदाजन बताया जा रहा है कि 50,00,000 से ज़्यादा मजदूर बाहर फंसे हुए हैं। इस पर सीएम नीतीश कुमार मजदूरों को लेकर कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अब पूरी तरह से सख्त हो गए हैं और उसके लिए उन्होंने गंभीर कदम उठाने के लिए बात कही है। बिहार सरकार की माने तो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को बिहार आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या लगातार दुगनी हो गई है और इसको लेकर के चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इसके सारे पहलुओं पर लगातार नीतीश कुमार नज़र बनाए हुए हैं और लोगों को अधिक से अधिक टेस्ट कराने की बात वो लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। कितना कारगर होता है ये नीतीश कुमार का फैसला ये तो बाद में पता चलेगा, पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो चिंताएं थी वो जरूर सामने आ गई हैं। इस पर आपको बता दें कि आने वालों में तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार पहुंच चुके हैं और बिहार पहुंचने के बाद उनकी प्रतिक्रिया किस तरह की है ये भी हमने आपको लगातार बताया है। अभी तक वो बिहार लौटने के बाद मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। इस बात को लेकर के भी चर्चाएं जमकर हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि आखिर कहाँ है। कल ही हमने आपको भारत लाइव के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के और भागलपुर के पूर्व प्रत्याशी अरिजीत शाश्वत ने बताया कि गीदड़ की तरह वो घर में छिपे हुए हैं। इस तरह के बयानात भी अब शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं राजनीति भी जमकर होने लगी है। इन सब बातों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं संक्रमण को लेकर के और देश में बिहार में चल रहे सारे कवायद पर नजर बनी हुई है, एक तरफ विपक्ष की भी और दूसरी तरफ सरकार की भी। देखना होगा कि नीतीश कुमार कितना सफल होते हैं और उनका किस तरह से ये पूरा कवायद कारगर साबित होता है जिससे कि बिहार कोरोना संक्रमण से कम प्रभावित हो। इस बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अस्पतालों की स्थिति पर भी जमकर हमला किया था और एक अस्पताल NMCH का तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कहा भी था कि हे भगवान बचाना हमारे प्यारे बिहार को। आप समझ सकते हैं कि कोरोना संक्रमण ने किस तरह से लोगों के मन मिजाज और जहन पर असर डाला है और ये जरूरी भी है जिस तरह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए बिहार के लोगों ने कोरोना की लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई में जिस तरह बिहार के प्रवासी मजदूरों ने अपना योगदान दिया है वो निश्चित रूप से सराहनीय जरूर है, क्योंकि बिहार के लोग भूखे प्यासे रह करके भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री के उस बयान को और उनके आग्रह को पूरी तरह से माना भी है। आपने देखा होगा कि ताली थाली बजाने से लेकर शंख बजाने तक और उसके बाद दिया जलाने तक सभी लोगों ने लगातार प्रधानमंत्री के आदेश का पालन किया। अब सबसे बड़ी चुनौती जिसे विपक्ष कह रहा है और कई हमने आपको बताया कि अर्थशास्त्रियों ने भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो बातें रखी हैं वो निश्चित रूप से डराने वाली हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार का ये सब कुछ करना, प्रवासियों को वापस लाना और उन्हें मुफ्त में लाने की उनकी शुरुआत उनके तरफ इशारा जरूर कर रही हैं कि लोग कहीं ना कहीं जब इस संकट से निकलेंगे तो उन्हें याद आएगा कि नीतीश कुमार ने उन्हें मुफ्त में बिहार लाने का काम किया था। वहीं दूसरी तरफ जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे, इस पर माधव आनंद की विस्तृत रिपोर्ट आप देख सकते हैं भारत लाइव में। पीछे जाकर के एक युवा अर्थशास्त्री के नाते माधव आनंद ने जो बातें कही हैं वो निश्चित रूप से सरकार और आम जनता के साथ साथ प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोग किस तरह का व्यवहार करेंगे और बिहार में किस तरह की अराजकता फैल सकती है जिसकी संभावना उन्होंने बताई है। क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई महामारी और बीमारी है तो वो है भूख। अगर भूख नहीं होता तो बिहार के इतने सारे लोग बाहर नहीं गए होते और ये दर्शाता है इस बात को कि कहीं ना कहीं पूरे इस मामले में बिहार और बिहार के लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशान और संशय में जरूर हैं।
इन सब को निपटाने के लिए जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो जरूरी है कि बिहार सरकार उस पर ध्यान दें। हमने कुछ लाइनें लिखी थी, वो लाइनें आपको मैं सुना देता हूँ कि वक्त सबको हुनर सिखा देता है, पत्थर को भी भगवान बना देता है। वक्त सबको हुनर सिखा देता है, पत्थर को भगवान बना देता है। यूं तो सुना है आदमी पाषाण होता है, पर आदमी आदमी का जान होता है। नमस्कार, खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर जारी है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, घंटी दबा दें, क्योंकि सभी खबरें आपको बिल्कुल फ्री में आप तक पहुँच जाएंगी। यही वो रास्ता है, यही वो साधन है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ सच और सच की खबरें आपको पूरे पूरे जिस अंदाज में जिस तरह हैं उसी तरह नज़र आएंगी। यहाँ कोई भी किसी से भी प्रभावित होकर खबरें नहीं आती हैं, क्योंकि हम पत्रकारिता को जानते हैं और हमें सरोकार है बिहार, इस देश और इस देश के लोगों से। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।